हाँ जी किदा सर की हाल चाल है। होप सो सारे ने वधिया ते ठीक ठाक होंगे। वेलकम अगेन टू करंट वाइंस। अज एक फिर नवी वीडियो दे नाल एक नवे टॉपिक दे नाल तुहाडे नाल हाजिर आ। अज दी वीडियो होने वाली है दिल्ली दे मशहूर व्लॉगर जिन्हां ने सौं खाधी होई कि हाँ प्रैंक्स दे विच कुछ ना कुछ मतलब कि झूठ फूट पा के लोगों नूं पागल बनाना ते व्यू लैणे लैणे आ। सो अज आपां गल करांगे पीआर कपल दी। पीआर कपल मोस्टली व्लॉग्स पाउंदे। सो गल शुरू कित्थे होई मैं तुहानूं प्रॉपर पहलां उत्थे लैके जांदा। मैं आराम नाल बैठांगा कि हाँ नैक्सट वीडियो देखदे कित्थे करनी आ। एंड मैंने एक वीडियो सुजैसट हुई जब मैं वीडियो ओपन की थी, मैं वीडियो देखता पाया सी, इन्हां दे एक प्रैंक वीडियो चलती पई सी। एंड उसने एक ऐसा वर्ड यूज़ किया जिहड़ा कि किसी कम्यूनिटी नूं किसी कास्ट नूं बहुत गलत साबित करवा रहा या एक बेइज्जती महसूस करवा रहा। सो इदां दी चीज़ां नॉर्मल भी मैं बड़ी जगह सुनिया आ। सो दिल किया कि हाँ चल अज ये टॉपिक पर भी बोलिया जाए, बाकी इन्हां दी गल जरूर करांगे। सो चलते आप वीडियो वल। वीडियो के अगे जाने पे अब आप फिर गल करा मेरी फेवरेट वैबसाइट जिसके उपर मैं एविएटर गेम खेलता हूँ। तुम्हें सारे पता कि अपनी पिछली वीडियो में बारे गल कर चुका है। सो बेसिकली अगर तुम हेल्प करना चाहते हो अपने ईजी मनी, सो एविएटर तो आराम पैसे कमा सकते हो। ये ना तुम सिर्फ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिता उत्तर जाकर अपनी आई डी रजिस्टर करनी, तुम जो इन्होंने मेन इवेंट्स प्रमोशन आया कोई भी गेम्स नवी आ रही हैं कुछ भी चलता पाया सारा कुछ उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हाँ जिन जिन बैठे आईपीएल की वेट करेंगे आईपीएल से आगे बैट करा, उसके अलावा तो होर भी स्पोर्ट्स इवेंट है जिसे जाकर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आ मेरी विनिंग्स है, हूँ मैं अपनी विनिंग्स में मैं सारा कमाना रहा, मैं सारा दिखा रहा, देखो सारा चेक करो सारा साइड से आ रहा है। हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ गल करता करता दिना एक बैट प्लेस कर दिना एंड हूँ मैं देखता कि फुटबॉल इवेंट चलते पे आ। सो मैं लाजियो तो एक बैट लाई 100 रुपए की, चलो ठीक है देख लें। हूँ कुछ होर भी ला के देख लें कि हाँ करना की है। सो एक मैं होर क्लब है स्पेनिश क्लब रियल, इतने भी 100 ला के देख लेना, वाह चेक करो देख लेना की बनता की नहीं बनता। सो मैं तुम्हें करता कि रिकमेंड जी अगर रजिस्टर करना ना तो उसके अलावा सिर्फ 300 रुपए एडिट करो, एड करके जो 300 रुपए सभी अपने इस गेम खेल सकते हो मजे ना। तो हाँ मेन गल ये है कि अगर तुम मेरे दिते हुए लिंक तो जाओगे ना तो 700% बोनस यानी कि 90,000 तक तो प्रॉफिट हो सकता है। सो अपना टाइम वेस्ट ना करो, जाके अपनी गेम भी खेडे करो। आओ आप एक होर वारी एविएटर गेम खेड के दिखाइए तुम्हें किमें खेडी दी है। सो हम गेम के नाल नाल मैं बैट लाना है कि हाँ स्पिंजा सो दी मैं लाती है तो चेक कर सकते गेम चलती भी नाल कि हाँ चल ठीक है ओके फाइन ना चलिए तो वधिया 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 स्पिंजा सो दी चेक 11,144 रुपए आप जित चुके हैं। चलो ठीक है माड़ी बैट होर लगता मैं 600 रुपए की होर ला देना, चलो ठीक है ओके फाइन चलिए तो उठ गया फिर लो आज उठ गया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके तो फाइन ले चेक 7600 रुपए अपना फे बन गया। सो तुम भी अपने ट्राई कर सकते हो खेडने बहुत ईजी गेम आ, करना कुछ नहीं है बस ईजीली करा। आ मेरी विनिंग आई तो मैं पूरा विड्रॉल करा लगा होनी है, विनिंग साढ़े सामने शो हो रही है, इन्हों ईजीली मैं अपने बैंक ट्रांसफर कर सकता है। एंड हाँ मेन अगर मेरे दिते हुए लिंक तो जाऊंगा तो 700% बोनस मिलेगा। सो भुलियो ना उस चीज को करना, गो एंड प्ले फॉर अ बैट, बैट करो एंजॉय करो अर्न करो मनी। तो चलिए शुरू करते हैं। हौसला चेक किया हौसला इन्हों का कि हाँ नहीं बस कुछ नहीं है पता भी करना कि नहीं है कैमरा रखाया ठीक है कुछ तो कर ही लवेंगे। 1 2 3 चल हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू चैनल। चलो ठीक है इन्हों की गल आप कर लगे, मैं पहले एक फेस दिखा दी आप गल कि कर लगे। सो आगे कपल है बेचारे निब्बे आ हजे होमवर्क वगैरह भी करते रहते हैं। सो पढ़ाई लिखाई की उम्र में ब्लॉगिंग चल पी, चलो वधिया हर किसी टिकटॉक देना तो कारोबार चल पाया, कपल ब्लॉग बनाते कपल वीडियो बनाते उस ब्लॉग से आ गए यो वो। सो हूँ ये पहली गल तो भाजी हमने आह वीडियो भी प्रैंक करने लगे कि उसके कि हाँ नवा साल चलने लगा तो मैं इंगेजमेंट प्रैंक करने लगा कि हाँ मैं प्रपोज वाला ब्याह ली कि प्रपोज कराने चाहता मैं तेन रिंग देने लगा वो वाला प्रैंक करता पाया। सो पहला माड़ा जहा प्रैंक देख लीए फिर आप अपने मुद्दे पर आने हैं। 2023 आने वाला है तो मैं दोस्तों ये बेस्ट मूवमेंट है ओके आपके नए साल में आपके लिए ऐसा गिफ्ट होना चाहिए जिसको आप कभी ना भूलो। ये भी गल बिल्कुल सही है, अपनी सहेली कही कि हाँ तेरे लिए नवे साल एक ऐसा गिफ्ट देने लगा जिन्हें तू पूरे साल ना भूलूगी। तो गिफ्ट की है एक फुद्दू बनाना कंट्रोल कंट्रोल कि नवे साल में फुद्दू बनाता पूरे साल ही पागल बनाई जाओगे। इन्होंने एक सौ खाधी थी 365 दिन 365 ब्लॉग। हूँ बंदा नॉर्मल रूटीन ब्लॉग तो बना सकता है कि आप कर रहे जिम जा रहे शॉपिंग जा रहे खाने पीने लगे कुछ भी कर सकते हो कर सकते हैं, बट इन्होंने चूज की लाइन प्रैंक ब्लॉग्स की। हूँ एक बंद ना एक प्रैंक हो समझ सकता 200 3 हो 4 हो वो कि हाँ 5 हो सकता कि हफ्ते हफ्ते के गैप बाद एक बार पागल बनाता गला च नहीं लाया पता नहीं लगा कुछ भी आ, बट इन्होंने डेली प्रैंक आते हैं डिग गया बेहोश हो गया उठ गया कोई जींदा हो गया कोई भज गया कोई नच गया किसी ने आईब्रो बना लिया किसी ने दाढ़ी कटा ली किसी ने कुछ हो गया हर गल्ला करते करते ना उधर आईब्रो वाला मेरा इतने प्रैंक चढ़िया तो हाथ आईब्रो वाले प्रैंक दे विच मैं एक चीज देखी आ चेक करो पता है समय क्या लग रही है जो पोगो में शो नहीं आता था तो कैसे कासल वाला वहां पर आता था चूड़ी सी औरत वो लग रही है तू कहता कि जिदा जी शक्ल है कि चूड़ी औरत लगती है जे पंजाब च रहते उन्होंने इस वर्ड का पता होना बाकी वर्ड तो सारे पता होना कि हाँ एक
कास्ट जी शेड्यूल कास्ट है जी आप कहने की हाँ कई जने कहते आप नहीं कहने सारी यार पहली गल सारी कास्ट सेम है बट हाँ कुछ ना कुछ चीज़ा अलग हो सकती हर बंद का अलग अलग ओपीनियन हो सकता उस चीज़ को लैके कि हाँ इन्होंने क्रेडिट मिलते भी इन्होंने फ्री जॉब्स मिलती है कुछ भी तो अपने मनपसंद ला सकते बट फिर भी जी मेन गल है इन्होंने जो वर्ड यूज़ किया वो भी ऑन कैमरा अपने सोशल मीडिया हैंडल से पाया चीज़ कि हाँ तू एक चूड़ी औरत लगती भी की गल हूँ तू सरदार बंदा भरावा तू अपनी दाढ़ी मुछा कटा आ तू पग बनना आ तू भी तो तेन कह कह सकते ना बंद कि हाँ गद्दार है भरावा जाली सरदार बने फिर अगर इन्होंने पूछे तुम की है कहते अभी सीख हाँ सीख नहीं होंगे सिख होंगे सीख तो कबाब होंगे भरा गजब बेइज्जती है वह चीज़ नहीं है तुम बट फिर भी गल जी है कि हाँ क्यों किसी के धर्म बारे या क्यों किसी की कास्ट बारे बोलना हूँ मैं चाहे मैं जनरल कैटेगरी चो हाँ मैं हिंदू ब्राह्मण हाँ मैं जनरल कैटेगरी चो बट मैं किसी क्यों बोला कि तू ए तू आप मतलब कि एक साल तू हूँ कर दे कि नीचे हो सी उपर आ अपनी शक्ल देख उन्होंने वर्गी लगती भी ये मतलब बनता की आ अगर इस चीज़ में तुम पंजाब बोलिया होंगे ना तो बहुत वाला मुद्दा उठना है तो चलो ते उधरले ब्लॉगर है कि जो अंध भगत ताे है ना जो तुम पछाड़िया नहीं कि तुम गल की करते पे किसी बारे या गल कहना की चाहते हो या तुम उन्होंने वर्ड समझ नहीं आई तो उन्होंने इग्नोर करता या मोस्टली स्किप करता होगा तो बचे पे हो बट मेरे मन से चीज़ आएगी क्यों ना इस चीज़ में गल की जाए तो अज ये गल कह रहे कल रीलों की गल होगी अगर यह चीज़ का माड़ा जहाँ भी ट्रेंड बन गया या माड़ी चीज़ भी चल पी इन्होंने भावें अपने वो डिलीट कर देनी बट वो चीज़ वायरल बहुत होनी है तो उस चीज़ का मजाक यह कास्ट का बनाना बिल्कुल गलत गल आ भैन जो शकल देखो अपनी कि हाँ अजे पढ़ाई लिखाई की उम्र है ताकि तो गल्ला एडिया वड्डी वड्डी करने कि हाँ बच्चों कहना कि नहीं सॉरी हमें तो पता नहीं था हमने जान बूझ के नहीं किया ये सारे जी वर्ड है ये पहली गल तुम्हें पता लग जाना होना कि हाँ अगर ये ऑन कैमरा कह सकता तो ऑफ कैमरा किन्नी बार कहें होगे ताइयों ऑन कैमरे वाले पहुंचे आ बाकी अगर वीडियो बनाने डे हैं चलो इन्हों का एक ब्लॉग होर देख लीए तो उस बारे गल भी कर लीए करने वाला राशि के ऊपर एक्सीडेंट प्रैंक तभी मैं ये पट्टियां बांध रहा हूं मैंने राशि को कॉल कर दिया और राशि को मैंने बोला है कि आप ना आज प्लीज मेरे घर आ जाओ इन्हां दा प्रैंक भी बिल्कुल सही है पट्टियां आप ही बन लिया लत दे गोडे दे एक गले च पाली कि हां नहीं बांह टंग लांगे ना कोई दवाई दे निशान ना कोई काटो कुट किते होर लगा ना ही कोई रगड़ा हैगी आ ना ही कोई भैन च पेंट पुंट पाटी है पर फिर भी नहीं जेनुइन प्रॉपर लगता पिया इन्होंने इन्ना पागल बनाया लोगों को समझ भी नहीं आती बट फिर भी क्लिक करके देखते रहते क्यों वेले आ अगर देखना कुछ चाहिए जी देखो या इन्होंने कॉमेंट करने शुरू कर दो प्लीज़ ओरिजिनल तो बनाओ कॉन्टेंट सारा कुछ स्क्रिप्टेड आप ही कर कर के बह जाते हैं तो फिर गल करते कि नहीं नहीं हम तो प्रैंक कर रहे थे डॉक्टर साहब मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डरता हूँ बवासीर एक आम समस्या है इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है और तेरी लात दे सट लगी है तुम्हारी डैश कोई मार के नहीं गया होगा कि तुमसे चल नहीं हो रहा ये हिंदी में इसलिए बोला क्योंकि अगर पंजाबी च बोलता ना बहुत ज्यादा बलगर हो ना कि तेरी डैश नहीं मारी किसी ने जो तू मैं तुरदा पिया बट फिर भी एडी फुलदू एक्टिंग मैं चो मैं तो कहना कि चुम्बे वाली भाभी मैं तो वधिया अवार्ड दे सकता इस चीज़ का कि हाँ घट्टो घट एक्टिंग तो जेन्युइन कर लेंगे वो सो गाइस इसको थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए मैं यूज करूंगा बैंडेज वो भी अपनी नोज पे वो कोई सेंस है कि इस गल दी हुण एक बंदा जिहड़ा वैन चो किते डिग्या पिया उहदे नक ते इत्थे नहीं सट लगी ना उहदे बुल्लां ते लगी ना उहदी दाढ़ी ते लगी बट इत्थे सट किद्दां लग गई नक ते जाके जिहड़ा पूरा रगड़िया पिया मूंह भर डिग्गा हाँ फुद्दू ऑडियंस फुद्दू कंटेंट पसंद ही करदियां देखो उहनां दा वधिया जेन्युइन है बिल्कुल आ रहा हूं मैं तो लगता आर 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 मूवी तो बाद ना इन्होंने ही जो ऑस्कर इंडिया के लैके आना इन्नी भैन जो जेन्युइन एक्टिंग आए आए की आए तेनों क्यों आए जे आईए तो करके आओ पहला हाथ हो के फिर ब्लॉग बनाओ आए आए लगा हो बड़िया तेरे टंगा टुटी होता तू तुरी भी जाना हाँ गेट भी आप खोलन चला गया क्या यार कॉन्टेंट के नाम से भैन जो गूं खिला रहे तुम कैमरा कितने लाया पहला दीदी होने वो देखा कि हाँ कैमरा लगा कितने यार हूँ जो देख ला कि ओह मम्मा अच्छा ठीक थे यार उस हिसाब हम उन्होंने पोज बना के बहना के ओके ठीक है हूँ पूछू कि दीदी हाल चाल से आओ करिए इन्हों के हाल चाल से इन्हों के प्यार दियाँ गल्ला वाह दीदी का सवाल भी देखो कि पट्टियां कितों कराइया दर्जी को कराइया वो पैसे डॉक्टर कहते कि यह पाटा पे सीन नहीं होना तो दर्जी को टांके लवाया वड्डी ओवर आके ना थले कपड़ा फेल लवाया कि हाँ नहीं हूँ सीन पटूगी नहीं कहां से कराए इतनी जनरल नॉलेज कितों आती तुम्हें एक भेजो कि हाँ छठ वाह एक पुछन वाला पागल कि पट्टियां कितों करिए एक दसन वाला पागल कि हाँ नहीं
ਮੈਂ ਡਿਗਣ ਡਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਡਰਮ ਚ ਵੱਜਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸੀ ਕਿ ਡਿਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਡਿਗਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ, ਇੱਧਰ ਵੱਜੀਏ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਵੱਜੀਏ, ਪੂਰਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਊਜ਼ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹਵਾ ਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜੋ ਐਕਟਿਵ ਡਿਗਣ ਲੱਗੇ ਪੂਰਾ ਪਾਊਜ਼ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਡਰਮ, ਚਲੋ ਡਰਮ ਚ ਵੱਜਦੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਐਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੇ ਸਾਲੇ, ਮੂੰਹ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ ਐਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਚ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਫੇ ਸੱਟ ਕਿਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਐਂ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਓ। ਪੁੱਛੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਟੀਆਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਮੋਚੀ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਰਫੂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਦਰਜੀਆਂ ਕੋਲ ਟਾਂਗੇ ਲਾਉਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪੱਟੀਆਂ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਕਰਾਇਆ, ਮਿਸਤਰੀ ਕੋਲ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਭੈਣ ਚੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਟੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜੇ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਾਂ ਸੇ ਕਰਾਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਹਾਂ ਸੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਐਸਾ ਥਾ ਪੱਟੀਆਂ ਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁਆ ਥਾ ਉਹ। ਇਹ ਗੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਰੀਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਹੇਟ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਗਲੀ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਓ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਲੋਗ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਗੇੜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੀਆਂ ਲਾਓ ਭੈਣ ਚੋ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਸੋਚੋ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਿਆ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਭੱਜੂਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਕੱਢੂਗਾ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਗਲੀ 'ਚ ਤੇਜ਼। ਹੱਡੀ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਐਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥਾ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਭਰਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਆਹ ਬਾਂਹ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਪਈ ਆ, ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਸ ਟੁੱਟੀ ਪਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪੂਰੀ ਗੋਲ ਗੋਲ ਘੁੰਮਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ, ਸਾਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਹਿੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਭੈਣ ਚੋ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ, ਉਹ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਬਸ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਗਿੜੀ ਦਾਲ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰ ਅਸਲੀ, ਕਿ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵਲੋਗ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਕੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲੀ ਪਿਆਰ, ਕਿ ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀਦੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀਦੀ, ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਨਾ ਸੌਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ 'ਚੋਂ ਨਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਾ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਦਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਨਾ, ਕਿ ਸੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਰੋ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਸਿਹਤ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਲੋਗਸ ਕਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਰਹੇਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋਤੇ ਰਹੇਗੇ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਆਤੇ ਰਹੇਗੇ, ਬਟ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਨ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਲੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਭੈਣ। ਇਹ ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੇ ਭੈਣ ਚੋ, ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਵਪਾਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵੈਸੇ ਪਿਆਰ ਵਪਾਰ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਆਹ ਵਲੋਗਰਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਭੈਣ 'ਚ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਮਸੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਤੀ ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੋ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ, 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੈਸੇ ਬਣਾਏਗੇ, ਐਸੇ ਬਣਾਏਗੇ ਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੈਠੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆਪਕੋ ਗਾਲੀ ਦੇਣੇ ਆਏਗੇ, ਗਾਲੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ ਭਰਾਵਾ, ਗੈਟ ਵੈਲ ਸੂਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ
मेन अगर तुहाडे में वीडियो बनाई ना, वीडियो बनाने में वो एक मिनट की बना सकता है, बट चक्कर पता की आ ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसीज या अब मेरे चैनल की थोड़ी जी उस हिसाब में वीडियो चलती कि हाँ 10 मिनट तो उपर वीडियो पानी पैंती मैं तुहाडे कुछ ब्लॉग्स चके, बट जिहड़ी तुसीं करतूत की ना अबाउट दैट शेड्यूल कास्ट की हाँ चूड़ी औरत लगती है, दैट्स वेरी रोंग। तुहानूं अकल होनी चाहिए कि तुसीं इंटरनेट से पोस्ट की कर रहे हो, अगर तुहाडे अगर तुसीं ऑन कैमरा चीज़ा बोलते हो तो मतलब कि ऑफ कैमरा किन्ना कि हेट कर दोगे, जिहड़े जनरल कैटेगरी नहीं है जो दूजी कैटेगरी किन्ना कि हेट कर दोगे तुसीं उन्होंने कि हाँ नहीं की आ, मतलब कि तुसीं एक बनाया कि अगर उस कुड़ी की शक्ल फुद्दू लगती पई सी, चलो है जो मर्जी आ सच बोल हो गया जो भी लगती पई सी, तुसीं उन्हों कंपेयर करना कि दूसरी कास्ट के बंदे ना कि तू तेरी शक्ल इन्हां वर्गी लगती पई आ, वट यू मीन बाय दैट, तुहानूं किसने हक दिता किसी नूं चीज़ कहण दा या कुछ करन दा। उम्मीद करदा कि मेरा कहण दा मतलब तुहानूं समझ आया होवे, ते मैं इस चीज़ नूं भी चाहना कि हाँ अगर ये गल ज़्यादा वायरल भी हुंदी है तो प्लीज़ इन्हां नूं डराया धमकाया ना जाए, शायद इन्हां नूं इस चीज़ बारे पता नहीं न्याणे आ, बट फिर भी इन्हां नूं प्रोपर नॉलेज दी जाए, बह के इन्हां को अपॉलजी कराई जाए कि हाँ की गल्लां करनियां चाहीदियां की गल्लां नहीं करनियां चाहीदियां। बाकी खेडो कूदो जो मर्जी करो, एक रीयल चीज़ लैनी शुरू करो, ये सारे ब्लॉगर्स लिए वैसे मेनली कि हाँ एक रीयल चीज़ कुछ ना कुछ लैके आओ जिन्होंने देख के असं कहिए कि हाँ चल ठीक आ, सानू मौका ही नहीं दो रोस्ट करन दा, साडा चैनल बंद करा दो यार, मजे करो होर दसो। कई बंदे कहते ना कि हाँ अगर ब्लॉगर्स ना होते तो रोस्टर क्या होते, भैन जो इतने पोलिटिशियन बैठे आ, क्रिकेटर बैठे आ, सिंगर बैठे आ, बड़ी चीज़ा हो रहा है, एक्टर बैठे आ, बड़े जन रोस्ट हो सकता, कल ब्लॉगर से तो नहीं चल रहे, बट द थिंग इज कि हाँ ओ टी टी प्लेटफॉर्म आए, अमेजोन प्राइम आ गया, नैटफ्लिक्स आ गया या जी आ गया या कोई भी और जाके सोनी लिव आ गया या इन्हें तो फिल्मा पैनी शुरू हो गया, देखे ना बॉलीवुड बायकॉट चलन लग पे कि हाँ लोग सिनेमा से घट जाने लग पे तो घर बह के फिल्मा ज्यादा देखने लग पे है, ठीक है ना। उदा ही हर चीज़ का अल्टरनेटिव हों, अगर तुम ब्लॉगर्स नहीं करोगे कोई चक्कर नहीं, अं हो भी कर लेंगे, साडा मतलब किसी ने यह नहीं हों कि बेइज्जती करना है कुछ ये करवाना, मेन मकसद यह हों कि हाँ ये चीज़ा इंटरनेट से नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट गल खत्म, अगर करनी है फिर थोड़ा वधिया करो। ऑल द टाइम मैं पंजाबी ब्लॉगर्स जो पंजाबी ब्लॉगर्स आए उन्होंने फटदा ना, बट हाँ आज चीज़ मैंने फुद्दू लगी तो मैं दिल्ली वाल गया, बट कोई नहीं बैक टू बेसिक पंजाबी ब्लॉगर का भी छेती आऊगा, मिलते हैं नवी वीडियो। अगर अपनी मनपसंदीदा वीडियो देखना चाहते हो कि कहे ब्लॉगर से आए तो कॉमेंट ऑन कर दिए, जो कमेंट ज़्यादा हो गए देख लेंगे, बाकी यार 200K होने के सिर्फ मेरे हिसाब से कितने रह गए 19,000 सब्सक्राइबर रह गए, नप दो काम यार छेती छेती करिए 200K ते मजे करिए, मैं तो कहना 200K ते आप बाहरला ट्रिप ला लीए कि अगर लगता तो हेल्प मी टू रीच आउट 200K छेती तो छेती, मिलते हैं जल्दी नवी वीडियो, बाकी जी मैं एड्स करता उन्होंने उस से मैं पैसे मिलते हैं, सो कोई फायदा नहीं ता उस चीज़ को करन का, तो क्योंकि जित के ठीक है नहीं जितने तो पैसे हार जूंगे, मेरा कि मेरा नुकसान नहीं हो, मैंने पैसे मिल गए, मैंने 35,000 रुपये प्रमोशन का मिलता मिल गया, एक मिनट की प्रमोशन भाई 35,000 मिल गया, अपना काम बन गया, ठीक है। इसलिए मैं अपनी वीडियो हमेशा कहना रहना कि अगर जी चीज़ तुम्हें लगती जिदा फेस वॉश या प्रोडक्ट्स है वो चीज़ जरूर बाय करो, वो किफायती होंगी है फायदेमंद होंगी है, बट बैटिंग ना करे करो। ओके चंगा मिलते हैं अगली बारी, ओके टेक केयर बाय।